हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूँ अरुण कुमार यादव और ये है एक्सरसाइज 9.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है और हमसे क्या पूछा गया है, उसके बाद बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। और हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं पी एंड क्यू, जो कि रिस्पेक्टिवली साइड्स डी सी और ए डी पर बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ए बी सी डी नाम का एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बनाया ए बी सी डी नाम का एक पैरेललोग्राम। अब क्योंकि जो पी पॉइंट है वो डी सी पर बना है, तो जो डी सी है इस पे हम कहीं ना कहीं एक पॉइंट बना लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे पी। और जो क्यू पॉइंट है वो ए डी पर बना है, तो जो ए डी पर हम एक पॉइंट बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे क्यू। अब देखिए, अब आगे हमसे बोला गया है कि सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी। अगर आप देखिए, यहाँ पर ए पी को आप मिला दें और फिर बी पी को आप मिला दें तो आपको ए पी बी मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप बी को क्यू से मिला दें और क्यू को सी से तो आपको बी क्यू सी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मिला लेते हैं। देखिए, बी को क्यू से आप मिलाइए और फिर क्यू को सी से, तो यहाँ से आपको मिलेगा बी क्यू सी। इसी तरह से ए पी बी के लिए आप पहले ए को पी से मिला लो, ए को किससे मिलाना है पी से, और फिर पी को आपको मिला देना है बी से, तो यहां से मिल जाएगा आपको ए पी बी। हमें इन दोनों को ट्रायंगल्स का एरिया बराबर शो करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं हमें गिवन क्या है, तो मैं वो लिख लेता हूं। हमें गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। अब देखिए, मैंने यहां पर गिवन में लिख लिया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड पी एंड क्यू दो पॉइंट्स हैं साइड्स डी सी एंड ए डी के रिस्पेक्टिवली। और टू प्रूफ में मैंने लिखा एरिया ए पी बी हमें प्रूफ करना है या शो करना है बराबर एरिया बी क्यू सी के, ठीक है। तो आइए करते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। देखिए, यहां पर अब आप लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए पी बी ये बराबर होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ए पी बी एक ट्रायंगल है और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और इन दोनों का बेस क्या है, ए बी, ठीक है। ए बी पी में भी ए बी आ रहा है और ए बी सी डी में भी ए बी आ रहा है, मतलब ए बी जो है इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम का कॉमन बेस है, ठीक है। और दोनों ही पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी के बीच में बने हैं। तो जब एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम एक ही बेस पे और एक ही कॉमन लाइंस के बीच में बनते हैं, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है, ठीक है। तो यहां हम रीजन लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे कि ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन दी सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन वन। इसी तरह से सेम एज हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल बी क्यू सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी क्यू सी बराबर होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ऐसा क्यों हुआ, इस बार भी देखिए रीजन सेम है। अगर आप बी क्यू सी को देखो तो बी सी इसमें भी आ रहा है और ए बी सी डी में भी बी सी आ रहा है, और बी सी के पैरेलल क्या है ए डी, मतलब जो बी क्यू सी है ये बी सी और ए डी के बीच में बना है, और ए बी सी डी को भी हम बोल सकते हैं कि ये बी सी और ए डी के बीच में बना है, मतलब ये ट्रायंगल बी क्यू सी और ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, बी सी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन दी सेम बेस, सेम बेस इस बार क्या है, इस बार है सेम बेस बी सी, ठीक है ना, बी सी पर दोनों बने हैं, एंड सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है, इस बार है बी सी पैरेलल है ए डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इस बार भी ये अपोजिट साइड्स हैं, आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब अगर आप इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को देखें, तो इक्वेशन नंबर वन में ए पी बी जो है वो ए बी सी डी का हाफ है, और इक्वेशन नंबर टू में बी क्यू सी भी ए बी सी डी का ही हाफ है, मतलब जो राइट में आपको दिख रहा है वो एक ही चीज है, यहाँ भी ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी। तो मतलब अगर कोई दो चीजें
किसी तीसरी चीज के बराबर हो तो वो आपस में भी बराबर होती है। यहाँ पर एपीबी भी एबीसीडी का हाफ है और बीक्यूसी भी एबीसीडी का ही हाफ है, मतलब ये सेम चीज के हाफ हैं, तो आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल एपीबी, एपीबी बराबर होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल बीक्यूसी। और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आप इससे मत कंफ्यूज होना कि मैंने यहाँ ट्रायंगल का साइन लगा दिया और क्वेश्चन में ट्रायंगल का साइन नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो है एक ट्रायंगल ही, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का साइन भी लगा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।